सो आज के हमारे इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं और आप किस तरह से एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, ये तो आपने सुना ही है। लेकिन दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको हर एक एरिया में सफलता दिला सकती है। इस दौर में चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक एम्प्लॉय हो या फिर एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, दुनिया में हर एक इंसान से अलग जगह दिलाती है। आप चाहे फिर कितने ही लोगों की भीड़ में क्यों ना खड़े हों, जब आपके पास बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है तो आपकी कही हुई एक एक बात वहां मौजूद हर एक इंसान को पसंद आती है और ऐसे में लोग आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ आपको दूसरों से अलग दिखाती है बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जाता है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि अगले ही कुछ मिनटों में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपके सारे शक खत्म हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन का सीधा सा अर्थ है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति मतलब ओरिजिन लैटिन वर्ड कम्युनिस से हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी माध्यम के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। किसी भी इंसान के लिए आपके बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल ही कहते हैं। अपनी बातों को किसी के सामने भी एक प्रभावी मतलब इफेक्टिव तरीके से रखने की ये प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन स्किल ही कहलाता है। आप किसी भी फील्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी को भी आकर्षित कर सकती है आपकी ओर। तो चलिए जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने तरह की होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स कितने तरह की होती है ये जानना भी जरूरी हो जाता है, ताकि हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ सकें। कम्युनिकेशन बेसिकली तीन तरह की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। सबसे पहली है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मीन्स मौखिक संचार। लोगों के द्वारा आपके विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाने के इस पूरे प्रोसेस को वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए। वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान लोगों के विचार पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं, मतलब ये कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सामने वाले को तुरंत समझ आ जाता है और किसी तरह का अगर डाउट हो तो वो इंस्टेंटली क्लियर भी हो जाता है। सेकेंड मेथड इज रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज लिखित संचार। रिटन कम्युनिकेशन स्किल की आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लिखित संचार के दौरान अगर किसी तरह की हमसे कोई गलती हो जाती है लिखने में, तो फिर हम उसे वापस सुधार सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, किसी एडवर्टाइजमेंट में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिटन कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ईमेल, फैक्स और लेटर्स, ये सभी रिटन कम्युनिकेशन के ही टाइप्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि शायद ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं होता है, अनलेस अनटिल आप एक पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स अमौखिक संचार। बिना एक भी शब्द बोले अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के दौरान बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट इत्यादि का यूज किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में इंसान के बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर सवाल ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से या फिर अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक आपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी बातें सुनी होंगी,
बहुत सारी चीजों को पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो मैं बातें आपको बताने जा रही हूँ उसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो चलिए कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के उन कुछ बेहतरीन तरीकों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उसे ठीक करें। दोस्तों जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल सही रखें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उन्हें आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी हद तक इम्प्रेस करती है और लोगों पर एक इम्पैक्ट डालती है, और वहीं से लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप जब भी किसी से बात करें तो टाइम रहते अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें और ये देखें कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। कई बार ऐसे होता है कि आप बोल कुछ रहे होते हैं और आपके एक्शंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और आपके एक्शंस और आप जो बोल रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर तालमेल हो। सेकेंड पॉइंट इज अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को ठीक करें। कॉन्फिडेंस के लेवल को ठीक करने से हमारा मतलब ये है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूर डेवलप करना चाहिए। आप जब भी किसी से बात करें तो आंखों में आपके वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जिससे सामने वाला चाहकर भी आपकी उस कॉन्वर्जेशन को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, तो आप हिचकिचाते हुए किसी से बात करेंगे, आप अपने शब्दों का चुनाव ठीक से नहीं कर पाएंगे और ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान आपकी बातों को ठीक से नहीं सुनेगा। इसीलिए ये जरूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट इज आई कॉन्टेक्ट को बेहतरीन रखें। दोस्तों आई कॉन्टैक्ट एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट भाग है। बात करते समय किसी भी इंसान की आंखों में देखकर बात करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई कॉन्टैक्ट बताता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप अपने कॉन्टेक्स्ट को कितने बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन कई बार लोग आई कॉन्टैक्ट का गलत मतलब निकाल लेते हैं और लगातार दूसरों की आंखों में घूरने लगते हैं, जो कि बिल्कुल खराब आई कॉन्टैक्ट की निशानी होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात जरूर कीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े देर बाद अपनी आंखों की पोजीशन को भी आपको चेंज करते रहना है। इससे सामने वाला आपके साथ बात करने में काफी कंफर्टेबल फील करेगा। इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा यूज करें कि कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रखें। फोर्थ टिप इज दूसरों की भी सुने। दोस्तों एक अच्छा कम्युनिकेटर अपने साथ साथ दूसरों को भी बोलने का पूरा मौका देता है, क्योंकि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरी खुद का बोलना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी दूसरे को सुनना भी होता है। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों की बातों को सुनने में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान से लोगों की बातों को सुनेंगे उतने ही ध्यान से आप उनकी परेशानियों को भी सॉल्व कर पाएंगे, और यही तो सामने वाला इंसान आपसे चाहता है। नाउ कम टू द फिफ्थ टिप, दैट इज अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपके पास हर एक टॉपिक की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को तो डेवलप करती ही है, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करने में ये हेल्प करती है। हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इंक्रीज करनी है, जो कि आप न्यूज़पेपर को पढ़कर, बुक्स को पढ़कर और अपने आप को टाइम आने के साथ साथ डेवलप करते हुए कर सकते हैं। हमेशा हर एक करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। Now sixth point is खुद से भी बात करें और बात करने की पहल करें। दोस्तों अगर आप भी लोगों के बीच में बात करने से डरते हैं तो ये आपके खराब कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की काफी कमी है और आपको इसे ठीक करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए।
इसको ठीक करने के लिए आपको खुद से बात करने की आदत डालनी होगी, मतलब आपको सेल्फ टॉक्स करनी होगी। जब भी आप अपने रूम में बैठे, आप अकेले हो, तो मिरर के सामने जाकर खुद से आपको बात करनी है। ऐसा करने से आपके अंदर जो बोलने का फियर है वो कम हो जाएगा और आप किसी भी अनजान इंसान से बेझिझक बात भी कर पाएंगे। सेवेंथ टिप इज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा गुस्से में ही दिखाई देते हैं, उनके फेस पर स्माइल नाम की चीज नहीं होती। और अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं तो आपको अपनी इस आदत को फौरन बदल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। हर कोई ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता है, लेकिन शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने फेस पर एक स्माइल रखें, एक छोटी सी मुस्कुराहट। आपको जबरदस्ती हंसना नहीं है। जब आप एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लोगों से बात करेंगे तो लोग आपकी बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों में अपना इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना क्यों जरूरी है और ये किस तरह से हम सभी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन स्किल का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का एक अहम रोल है, जो कि हमारी बातचीत से ही पता चलता है। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप एक प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्टूडेंट लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होने से आपको दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत कम मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव मींस जो छोटे बच्चों में आप जनरली डिप्रेशन देखते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने रख पाते हैं। फिर चाहे वो आपके टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके साथ के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। वहीं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी को डेवलप करता है, जिससे आप अपने कोवर्कर्स और अपने हायरार्की के अंदर आपके जितने सुपीरियर्स हैं या फिर आप अगर एक टीम को लीड कर रहे हैं तो भी आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे और आपको काफी हद तक सफलता भी मिलती है। तो अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को एक इफेक्टिव तरीके से डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई हैं वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको इन सभी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा, तभी तो आप अपने अंदर इफेक्टिवली रिजल्ट्स को नोटिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि आप सभी को अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और इसीलिए तो हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सेल्फ हेल्प और इंफॉर्मेशनल वीडियोस में। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegrity.com। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। We'll be right back.